हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉलेज से। तो दोस्तों फिलहाल अभी कॉलेज का टाइमिंग चल रहा है 8 बजे है, मतलब 8 बजे हमारी बस आ जाती है तो हम 8:45 तक कॉलेज में आ जाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी कॉलेज में हूँ 9 बज रहे, और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, मतलब ठंड तो है ही और ऊपर से हवा भी चल रही ना तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। और दोस्तों आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ घर पर, मतलब आज रात में मेरी ट्रेन है तो कल मैं घर पर पहुँच जाऊँगा। तो घर पे भी काफ़ी व्लॉग्स मुझे शूट करने हैं और मैं थोड़ी पर्सनल चीज़ों की वजह से ही घर जा रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि काफ़ी मतलब ये समझ लो आप कि इसके पहले मैं 1.5-2 महीने पहले घर गया था, उसके बाद मैं अब घर जा रहा हूँ। तो एक घर जाने की खुशी अलग ही होती है। तो जब घर जाएंगे, मतलब शाम में जब रात में निकलूँगा तो वो भी आपको बताऊँगा। और रात में मेरी ओवरनाइट ट्रेन है, 11:30 बजे ट्रेन है, तो वो भी काफ़ी ठंडी में ट्रेन है। और इसके पहले भी मैं रात में जा चुका हूँ उससे, बट अभी क्या ठंडी ज़्यादा है तो वो भी थोड़ा वो लग रहा है कि कैसे रहेगा, बट ठीक है। कल तक अपन घर पहुँच जाएंगे। और कल से मेरे जो व्लॉग्स आएंगे वो आएंगे घर के व्लॉग्स, घर के इधर मुझे नीलेश भाई से भी मिलना है, जो आपको पता है कि मेरे व्लॉग्स में रहते हैं नीलेश भाई, काफ़ी साथ है, हमने बहुत सारे व्लॉग्स में हम साथ में बनाए हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, विराज भाई से भी मिलेंगे, जैसा भी रहेगा आपको दिखेगा व्लॉग्स में। फिलहाल मैं अभी कॉलेज में हूँ और अभी थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद आज एक फंक्शन है कॉलेज में इंटरप्रेनरशिप के ऊपर, तो वो भी कुछ सीन्स में उसके शॉर्ट करूँगा, तो जो भी रहेगा आपको दिखेगा इस व्लॉग में, तो आप बने रहिए और बस अपना ध्यान रखिए। कॉलेज से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर और मुझे पैसे निकालने हैं क्योंकि मुझे घर जाना है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है कैश की। और फिर जाते जाते चाय भी पियेंगे अपन, एक नई चाय की शॉप ओपन हुई है, प्रेम प्याली अमृतुल्य, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूना में है अमृतुल्य उसकी ब्रांच है, बट देखते हैं वहाँ की चाय पी के, क्योंकि काफ़ी टेस्टी रहती है ऐसी चाय। तो अभी मैं पहले जा रहा हूँ पैसे निकालने के लिए, उसके बाद पियेंगे चाय। दोस्तों चाय काफ़ी टेस्टी थी और काफ़ी यूनिक, अलग ही टेस्ट था उसका, बट मैंने उससे पूछा कि ये जो पूना में ब्रांच है येवले की उसकी है क्या, बट वो बोले नहीं, ये यहीं की ओपन हुई हुई है, यहीं पे नाम रखा हुआ है। चाय काफ़ी टेस्टी थी इधर की। दोस्तों बैक टू द रूम, और अभी मैं थोड़ा सा सामान लेके आया हूँ खाने पीने का, कि रात में अगर भूख लग जाए कभी ट्रेन में, वैसे तो मैं खाना खा के निकलूँगा। और मैंने मेरे टिफ़िन वाले अंकल को भी बोल दिया है कि टिफ़िन आप 8:30-9 बजे तक लेके आ जाना, और सिर्फ सब्ज़ी रोटी लाना, क्योंकि पूरा टिफ़िन तो मुझसे खा ही नहीं जाएगा, तो फालतू में क्यों वेस्ट करना, जितना खाया जाए उतना ही मैंने मंगाया है। फिलहाल अभी अपन रूम पे है और अपन कर लेते हैं व्लॉग्स की एडिटिंग, जितने अपने व्लॉग्स बचे उनको एडिट करके मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि घर के अंदर मुझे नेट नहीं मिलेगा और शायद मुझे विराज भाई की हेल्प लेनी लगे इसमें व्लॉग्स अपलोड करने के लिए, तो उनके जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं अपने जो व्लॉग्स पुराने वाले हैं उनको मैं सेव करके रखता हूँ, उनको पूरी जो एडिटिंग मेरी बची है वो एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ, तो बस अब वही बैठ के मैं काम करता हूँ, जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरी ट्रेन का टाइमिंग लेट हो गया है, पहले मेरी ट्रेन का टाइमिंग था 11:30 बजे,
बट वो 2 घंटे लेट चल रही है और वो आएंगी अब 1:30 बजे रात में। तो अभी मेरे टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और अभी मैं रूम पे रही हूँ, क्योंकि ये पहले जैसा टाइम नहीं है कि वहाँ जाके स्टेशन पे बैठे रहे। अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि मतलब मेरी वहाँ कुल्फ़ी बन जाएंगी अगर मैं चले गया तो मैं लेट ही निकलूँगा यहाँ से। रैपिडो या ओला वगैरह बुक कर लूँगा और चले जाऊँगा। हालाँकि स्टेशन पास में ही है लेकिन मैं पैदल भी नहीं जा सकता क्योंकि ठंड इतनी है, जाते आते मतलब बहुत ठंड लगेंगी मुझे। तो निकलेंगे थोड़ी देर से, अभी तो 11 बज रहे हैं और 1:30 बजे ट्रेन है, तो वहाँ बैठ के भी कोई मतलब नहीं, ठंडी लगनी है वहाँ पे। तो मैं जब तक अपने व्लॉग्स एडिट कर ले रहा हूँ, जितने मेरे व्लॉग्स बचे हैं तो वो आगे के लिए काम आएंगे मुझे। और वैसे भी वहाँ जाके मुझे नेट मिलेगा नहीं कि मैं अपलोड कर सकूँ, तो जितने मैं यहाँ से प्रिपेयर करते हुए चल रहा हूँ पूरा फाइनल वो कर ले रहा हूँ मैं। तो जब मैं निकलूँगा यहाँ से तब आपको वो भी सीन्स दिखाऊँगा और फिर मैं इस व्लॉग का एंड अपने घर जाके करूँगा सुबह सुबह। तो अभी तो मैं फ़िलहाल व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और थोड़ी देर में अभी निकलेंगे। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं रानी कमलापति स्टेशन हबीबगंज और अभी बज रहे हैं 12:30। मेरी गाड़ी और लेट हो गई है, 1:45 का टाइम बता रहा उसका। अब जब तक वेट करते हैं थोड़ी देर और, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और ये रहा रानी कमलापति, जो कि आपने मेरे व्लॉग्स में काफ़ी बार देखा होगा। चलते अंदर और अंदर ही बैठते हैं। दोस्तों कौन बोलेगा ये कि प्राइवेट स्टेशन है, ये इट्स लुक लाइक ए एयरपोर्ट। दोस्तों मैंने ये लिए बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि मैंने खाना काफ़ी जल्दी खा लिया था तो अब मुझे लग रही है भूख, तो मैंने ये लिए अभी हाफ प्लेट। इसको खाते हैं और थोड़ी देर में वैसे भी ट्रेन आ जाएंगी अपनी, तो चलेंगे स्टेशन की ओर। इट लुक डिलीशियस यार, काफ़ी अच्छी लग रही है खाने में, तो इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मैं सुबह पहुंच गया था 8 बजे के आसपास, अपने घर पहुंच गया था 8 बजे। और उसके बाद फिर मैंने मतलब थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, चाय नाश्ता किया और उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम कर रहा था। तो अभी बज रहे हैं 10 या 11 बज रहे हैं और अभी नीचे आराम ही चल रहा है, नीचे मम्मी पापा आराम ही कर रहे हैं, तो मैंने उनको उठाया नहीं। तो फ़िलहाल दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं घर जाके इस ब्लॉग को एंड करूँगा, तो फाइनली अपने घर आ चुके हैं अपन। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। जितनी मैंने सुबह से लेके जो जर्नी करी है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। वैसे तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कर ही दोगे। तो अब इसके बाद मैं एक नया व्लॉग शूट करूँगा और कोशिश करूँगा कि नीलेश भाई और विराज भाई से मिलने की, और या फिर नहीं भी मिला तो जो डेली करूँगा वो आपको बताऊँगा ही। तो जल्दी मिलते दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।